नमस्कार साथियों, सीडी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ में डीएड पास की संख्या कितनी है, इसको लेकर एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। जी हाँ, चौंकाने वाले अपडेट डीएड कैंडिडेट को लेकर आ रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में इसी पर चर्चा करूंगा। चौंकाने वाले जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। जो साथी नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, देख पा रहे होंगे, डीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर ये जो जानकारी है वो प्राप्त हो रही है। तो इसमें देखिए, 2007 में प्रथम वर्ष, देखिए द्वितीय वर्ष में 14,460 साथी उत्तीर्ण हुए, 2008 में 20,392, 2009 में 1460, 2010 में 1652, 2011 में 2024, 2012 में 2059 साथी उत्तीर्ण हुए। इसके बाद 2013 में 2200, 2014 में 2300, 2015 में 2500, 2016 में 3000, 2017 में 3200, 2018 में 4000, 2019 में 4900 और 2020 में 5300। इस तरह के एक आंकड़े जो है चौंकाने वाले आंकड़े हो रहे हैं। और ये जो आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा है, 83,584 जो कि रेगुलर किए हुए हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से ये लोग डीएड किए हुए हैं। इसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में 25,606 साथी डीएलएड की परीक्षा उत्तीर्ण है। यदि हम टोटल इनको काउंट करके देखें तो देखिए, ग्रांड टोटल करें इन दोनों का तो 1,09,190 साथी प्रदेश में हैं जो कि डीएड पास हैं। जी हां साथियों, 1,09,000 से भी अधिक साथी डीएलएड पास हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए इसमें यदि मैं बात करूं आपके, तो ये रेगुलर है, सीजीबीएसई से ये किए हुए हैं। इसके अलावा एनआईओएस से भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो है एनआईओएस का आंकड़ा मौजूद नहीं है साथियों, मैं आपको बता दूं, एनआईओएस वाले अलग से आपको देखने को मिलेंगे पंजीकृत। और अभी फिलहाल 1,09,000, मतलब आप सोच सकते हो कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब यहां पर लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ है कि सर टेट पास नहीं कर पाते, भले ही 1,09,000 हैं लेकिन टेट पास नहीं है। तो मैं 2022 में जो टीटी का एग्जाम हुआ था ना, बहुत ही सरल था, फ्रेशर 12वीं के साथ ही भी पास हुए थे। तो मान के चलो सबसे ज्यादा जो है टेट पास साथियों आपके 2022 सेशन में हुए हैं, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगी। 1,09,000 में आप मान के चलो कम से कम 60,000 तो ऐसी आपका पात्र होंगे जो कि टेट पात्र होंगे। इसके अलावा एनआईओएस वाले जो साथी रहेंगे वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो इतना तो आप मान के चलिए साथियों की अभी वाले जो शिक्षक भर्ती आएगी 1:4 या 1:5 के अनुपात में आपको कंपटीशन देखने को मिलेंगी। क्लियर है, कहने का तात्पर्य है एक पद में 5 कैंडिडेट रहेंगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा डीएलएड वाले साथियों को। यदि आप सभी मेहनत करेंगे तो आप सभी को नौकरी जरूर मिलेगी। तो ये एक डाटा है साथियों जो कि प्रदेश में 2007 से 2023 तक, अर्थात इन आने वाले 17 सालों में इतना जो है लोगों ने डीएड की पढ़ाई उत्तीर्ण की है। अब यहां एक सवाल यह भी आता है कि इतने तो उत्तीर्ण किए हैं, 4,000 2019 में भर्ती हुए, 4,000 अभी भर्ती हुआ है, 2013 में भी एक बार भर्ती हुआ था। ठीक है, मान लीजिए 2013 में भी अगर 4,000 की आंकड़ा लें तो 12,000-15,000 भर्ती में निकल गए हैं, लेकिन एनआईओएस भी इंक्लूडेड, मतलब यही आप मोटी मोटा मान के चलो 1:4 या 1:5 के अनुपात में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में छत्तीसगढ़ में। तो अपनी तैयारी को दुगुना कीजिए, 4 गुना कीजिए। भाई 1:4 है मेरे मित्रों, तो 4 गुना करेंगे, नौकरी आपको मिलेंगी और जरूर मिलेगी। ठीक है, तो तैयारी करते रहें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।